नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी एंड ट्रैवल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्क्रैच लैंग्वेज है उसका जो इंटरफेस है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है स्टेज, स्टेज जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेज में हमारे पास होते हैं जितने भी हम स्प्राइट्स ऐड करते हैं वो, और स्प्राइट्स के लिए ही हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कैसा कोड लिखेंगे, जैसे कि उसको मूव करना इधर उधर, उस पर साउंड्स को उसके साथ अटैच करना एंड और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे सेंसिंग कंट्रोल करना उसे, ये सारे काम हम स्टेज पे जो स्प्राइट है हमारा उसके लिए करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है ब्लॉक्स पैलेट। तो ब्लॉक्स पैलेट हम किस काम के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा स्प्राइट है उसे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक कि हम जो बैकग्राउंड है, मीन जिसे हम बैकड्रॉप कहते हैं स्टेज की, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात नोट करने की है कि जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो सभी कलर कोडेड होते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कोई ब्लू है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, ऐसे सभी जो ब्लॉक्स हैं वो अलग अलग क्या है, कलर कोडिंग में है। और आप कहाँ पे देख सकते हैं सभी ब्लॉक्स को, लेफ्ट के ऊपर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पर कैसे लिखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। मीन्स जो हमारे पास ब्लॉक्स होंगे लेफ्ट पे, उसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे रखेंगे और हमारी कोडिंग जो है इससे चलने लगेगी, और हम सभी जो ब्लॉक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है बैकपैक, जो कि सिर्फ ऑनलाइन जो हमारा वर्जन है उसी में देखने को मिलेगा। जो बैकपैक होता है हम उसमें स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं और स्क्रिप्ट को फिर हम अदर जो मीन्स हम प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास है स्प्राइट लिस्ट। स्प्राइट लिस्ट का मतलब जितने भी हम अपने करंट प्रोजेक्ट में स्प्राइट सब यूज़ कर रहे हैं उनकी लिस्ट। सिक्स नंबर पे हमारे पास है बैकड्रॉप्स। बैकड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम अपने स्टेज की जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में एक तरह से उसकी जो बैकग्राउंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और राइट साइड पे जो ये बटन है इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फुल स्क्रीन में चला सकते हैं। तो ये टॉप पे जो बॉक्स है इस पे हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है वो लिखा हुआ आता है, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन बटन है इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, और जो रेड बटन है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। जो कोड टैब है हमारे पास, कोड टैब से हम क्या कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स को हम स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करके रख सकते हैं, यानी कि जो भी हम कोड चलाना चाहते हैं उसे हम क्या करेंगे, इस कोड ब्लॉक से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कॉस्ट्यूम एरिया से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम टैब से हमारा जो स्प्राइट है उसकी कॉस्ट्यूम मीन्स उसका कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना लें, ठीक है, जैसे भी हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं अपने स्प्राइट में वो कर सकते हैं। साउंड से हम क्या कर सकते हैं, जो प्री डिफाइंड साउंड्स है यानी कि जो पहले से ही रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड साउंड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो खुद की जो वॉइस है उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पे हमें क्या पता चलता है, हमारे जो स्प्राइट है उसकी करंट पोजीशन क्या है, मीन्स एक्स पोजीशन क्या है उसकी, मीन्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है एंड वर्टिकल पोजीशन उसकी क्या है, ये हमें पता चलता है। तो स्प्राइट नेम से क्या होगा, हम अपने स्प्राइट का जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं। शो हाइट से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्प्राइट को हाइट भी कर सकते हैं और बाद में अगर देखना चाहें तो शो कर सकते हैं। साइज से क्या होगा, अगर हम अपने स्प्राइट के साइज को घटाना बढ़ाना चाहें तो हम ऐसे भी उसका साइज यहां से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 100 ही आ रहा है, अगर छोटा करना चाहें तो 100 से कम करेंगे और अगर बड़ा करना चाहें तो 100 से ज़्यादा करेंगे। ऐसे ही है डायरेक्शन, डायरेक्शन से क्या होगा, हम उसका फेस किधर को करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे फ्रंट की ओर है तो उसका फेस इस टाइम पे डायरेक्शन क्या है, 90 है। ऐसे ही अगर हम 90 से कोई और यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। एंड सी प्रोजेक्ट पेज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मीन्स उसमें लिख सकते हैं बॉक्स में एंड और क्या कर सकते हैं, अदर नोट्स मीन्स कुछ और नोट्स क्या कर सकते हैं उसमें साथ में अटैच कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारी जो कम्युनिटी है स्क्रैच की वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। जूम बटन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्क्रिप्ट का हमने जो ब्लॉक्स रखे हैं ड्रैग ड्रॉप करके उनको या तो जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं, मीन्स बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। मेन्यू से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं
या अपने प्रोजेक्ट्स जो हमने बना रखे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़ करके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट चलाना है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल ऑप्शंस है जो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। माई स्टफ क्या है, माई स्टफ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट अपने ऑनलाइन स्टोर किए हैं उन सभी की लिस्ट देख सकते हैं, कौन सा उनमें से चलाना है ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इंटरफेस की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।